हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू संगीताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी एंड ऑथेंटिक मिक्स वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी, जो आपकी शाम की चाय को और भी मज़ेदार बनाएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको इसका वॉइस एक बार सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी एंड क्रंची बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। अनियन को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट सोटे करेंगे। अनियन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंच बना रहना चाहिए। इसे हमें बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अनियन हमारा सॉफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। और 1 चम्मच अदरक लहसुन कद्दूकस किया हुआ, आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हैं। इन सबको मैं कुछ सेकेंड के लिए सोटे करूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, बीट रूट, कैप्सिकम एंड कैरेट, जिसे मैंने फाइन चॉप किया है। आप भी सब्जियों को फाइन चॉप करके ही लें। इन सारी सब्जियों को अब मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल्स को हम 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मटर। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज़ किया है, इसलिए मैं इसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारे वेजिटेबल्स कितने कलरफुल एंड टेस्टी लग रहे हैं। बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का एक अच्छा तरीका है, कुछ हेल्दी भी और टेस्टी भी। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, और टेस्ट के अनुसार नमक। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू बॉईल करके पील करके मैश कर लिया है। इनको भी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू को भी हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए एकदम बढ़िया टेस्टी एंड कलरफुल कटलेट का मिक्सचर हमारा तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से हमारे कटलेट में एक बढ़िया सी बाइंडिंग आएगी, जिससे फ्राई करते समय हमारे कटलेट तेल में फटेंगे नहीं। यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है। आप ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए 4 से 5 और उसे मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लीजिए और उसे एक कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लीजिए। हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। रोस्ट किए हुए ब्रेड क्रम्स ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची होते हैं, जो हमारे कटलेट को अंदर से एक बढ़िया सी बाइंडिंग देते हैं और बाहर से एकदम बढ़िया सी क्रिस्पीनेस देते हैं। तो आप भी रोस्टेड ब्रेड क्रम्स का यूज़ कीजिए और मज़े कीजिए। ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलीशियस कटलेट का मिक्सर तैयार है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ये लीजिए फाइनली मिक्सचर हमारा रेडी है तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम कटलेट के शेप बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कटलेट मोल्ड पड़ा था तो मैं इसी में कटलेट के शेप बनाऊंगी। आप अपने पसंद के कोई भी कटलेट शेप बना लीजिए, पान शेप, डायमंड शेप या सिलेंडर शेप।
या राउंड शेप। मिक्सचर को हम मोल्ड में अच्छे से प्रेस करते हुए फिलअप करेंगे, जिससे हमारा कटलेट शेप एकदम बढ़िया तैयार हो। ये लीजिए, मैंने अच्छे से फिलअप कर दिया है। तो अब हम मोल्ड में से कटलेट को निकाल लेते हैं। ये लीजिए, शेप हमारा तैयार है। बस इसी तरीके से हम सारे शेप तैयार कर लेंगे कटलेट के। ये लीजिए, हमारे कटलेट के सारे ही शेप तैयार हैं। तो अब हम कटलेट को ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बनाने के लिए बनाएंगे एक स्लरी। स्लरी मतलब मैदे का घोल। यहाँ पे मैंने मैदे का घोल बनाने के लिए 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। स्लरी हमारी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पानी जैसी पतली भी नहीं, एकदम बढ़िया मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये लीजिए, हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार है। तो अब हम लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स और हमारे कटलेट के शेप। अब हम एक कटलेट लेंगे और इसे स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में डिप करने से हमारी हल्की बाइंडिंग हो गई है, तो अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। कटलेट को हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करेंगे। इसके ऊपर से थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे, जिससे हमारे कटलेट तलते समय फटे नहीं। कटलेट हमारा अच्छे से कोट हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरीके से सारे कटलेट हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे सारे कटलेट ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट हो गए हैं। आप भी कटलेट को ब्रेड क्रम से एकदम बढ़िया से कोट करें, जिससे तलते समय आपके कटलेट फटे नहीं। तो कटलेट हमारे रेडी हैं, तो हम चलते हैं इसे फ्राई करें। तेल को मैंने गरम करने रख दिया था और तेल हमारा एकदम बढ़िया गरम है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटलेट। हम एक साथ बहुत ज़्यादा कटलेट फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 ही एक साथ करेंगे। ध्यान रखें, कटलेट फ्राई करते समय तेल हमारा एकदम बढ़िया गर्म होना चाहिए, जिससे हमारे कटलेट एकदम जल्दी से क्रंची हो जाए और ऑयल में फटे नहीं। कटलेट को हम 1 से 2 मिनट टच किए बिना ही फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, और जैसे ही हमें ये एकदम ब्राउन कलर के दिखेंगे, तब हम इसे स्पून की मदद से हल्के हाथों से घुमाएंगे। लीजिए, कटलेट हमारे एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं, तो हम इसे स्पून की मदद से हल्के हाथों से पलट देंगे। इस तरीके से सारे कटलेट को हम पलट देंगे और इसे दूसरी साइड पे 1 से 2 मिनट फ्राई होने देंगे। ये देखिए, कटलेट हमारे बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी एंड करारे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। है ना, एकदम क्रिस्पी करारे एंड माउथ वाटरिंग, आपको देखते ही बनाने का मन हो जाएगा। ये लीजिए, हमारा वेज कटलेट तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कैसे हम दूसरा बेच फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, सुपर डिलीशियस क्रिस्पी एंड क्रंची वेज कटलेट हमारे तैयार है। आप वेज कटलेट कब बना रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, मैं कटलेट का वॉइस आपको सुनाती हूँ। है ना, कितना क्रिस्पी एकदम क्रंची वॉइस आ रहा है, एकदम करारे करारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।